press the bell icon on the YouTube app and never miss another update from Tech Buzz. नमस्कार दोस्तों, Tech Buzz में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मयूर। तो आज हम यहां पे फुल रिव्यू करने वाले हैं Asus ZenFone 5Z या फिर आप कह सकते हैं Asus ZenFone 5Z। तो इस हैंडसेट का हम रिव्यू करने वाले हैं। काफी दिनों से मैं यह हैंडसेट यूज कर रहा था और मुझे इसमें कई सारे प्रोस कॉन्स नजर आए हैं। और अगर आप कंफ्यूज है कि आप कौन सा हैंडसेट ले फ्लैगशिप में, और अगर आपका बजट भी 40,000 के नीचे है या फिर 30,000 तक ही है, तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करने वाला हूँ ये हैंडसेट। लेकिन पहले आप ये वीडियो देखें और उसके बाद ही आप डिसाइड करें तो काफी बेहतर होगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला प्रोस ये है कि इसकी जो प्राइसिंग रेंज है ये काफी बढ़िया है और एग्रेसिव तरीके से यहाँ पे लॉन्च किया है इस हैंडसेट को। बिकॉज आपको ये फ्लैगशिप हैंडसेट 30,000 में ओरिजिनल प्राइस में 6GB और 64GB का वेरिएंट मिलता है, लेकिन अगर आप बैंक के ऑफर्स वगैरह सब ऐड करें तो इफेक्टिवली ये जाता है 28,000 2000 एक्सिस पे है। लेकिन पहले ICICI पे आपको 27,000 में मिल रहा था, जो काफी बढ़िया बात है। प्लस इसके जो बाकी के वेरियंट्स है ये भी काफी एग्रेसिव प्राइसिंग पे है और इसकी प्राइसिंग काफी कम है OnePlus 6 के, जो इसका बिगेस्ट कंपटीटर अभी माना जा रहा है इस प्राइस सेगमेंट में। प्लस यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका एक और ऐसा प्रोज है जो आपको पता नहीं होगा, लेकिन मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि Asus का ये फर्स्ट फ्लैगशिप हैंडसेट में कहना चाहता हूँ। तो बस बाकी के उनके सारे जो हैंडसेट थे फ्लैगशिप मतलब थे महंगे, लेकिन वो उतने कैपेबल नहीं थे, लेकिन ये हैंडसेट फर्स्ट उनका फ्लैगशिप किलर है। बिकॉज उनके पहले हैंडसेट आप देख सकते हैं गूगल करके या फिर फ्लिपकार्ट पे, आपको नजर भी नहीं आएंगे और आपको याद भी नहीं रहेगा कि ऐसा कोई हैंडसेट हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे आपको पता चल ही जाएगा क्योंकि ZenFone 5Z और मिड रेंज में ZenFone Max Pro M1। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऐसा है कि यहाँ पे आपको जो कैमरा वगैरह मिलता है ये काफ़ी बढ़िया है, और प्लस यहाँ पे आपको जो सपोर्ट वगैरह मिलता है ड्यूअल LED फ्लैश एंड ऑल दैट थिंग्स काफ़ी बढ़िया है। प्लस यहाँ पे आपको जो कैमरे की क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है, और AI कैमरा की वजह से ये ऑटोमेटिकली अडॉप्ट करता है कि हाँ यहाँ पे कौन सा एनवायरनमेंट है, कैसा है एंड ऑल दैट थिंग्स, नेचर है, बाहर है, इंडोर है, आउटडोर है, ये सब ये पता करता है AI लर्निंग की वजह से, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। नेक्स्ट यहाँ पे आपको इम्प्रोवाइजेशन या फिर इस हैंडसेट की खासियत में बताना चाहता हूँ, तो वो ये है कि इसका जो स्पीकर है, यस डाउन साइड में यहाँ पे आपको एक स्पीकर मिलता है, लेकिन ये जो एक है ईयरपीस ये भी एक स्पीकर है यहाँ पे आपको मिलता है, यानी कि ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स। तो यहाँ पे ये स्पीकर वाली जो बात है काफी लाउड है और काफी बढ़िया है। नेक्स्ट यहाँ पे ऐसा है कि ये जो हेडफोन जैक है, हाँ थैंक्स Asus के आपने हेडफोन जैक यहाँ पे इसमें रखा है इस फ्लैगशिप हैंडसेट में। तो इस हेडफोन जैक का हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे आप हेडफोन्स लगा सकते हैं, भारी से भारी या फिर हल्के से हल्का, काफ़ी बढ़िया देगा आपको म्यूजिक क्लियरिटी, और अगर आप म्यूजिक लवर है तो आप ये ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे आप कई सारे फोटोज वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे, मैं बताना चाहता हूँ। प्लस इसका नेक्स्ट प्रो ये है कि इसकी बैटरी लाइफ, AI बैटरी लाइफ की वजह से इसकी जो बैटरी है काफ़ी बढ़िया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको नोट डाउन करने के लिए कहता हूँ कि अगर आपने फ़ोन अभी लिया है तो स्टार्टिंग के 2-3 दिन आपको ऐसा लगेगा कि ये बैटरी है क्या है, ऐसी क्यों डाउन हो रही है, ऐसी क्यों ऑप्टिमाइज नहीं है। लेकिन ये खुद AI की वजह से लर्न करता है कि आप कौन से एप्लीकेशन ज़्यादा यूज़ करते हो और कौन से एप्लीकेशन यूज़ ही नहीं करते। तो इस बेसिस पे आपको यहाँ पे जब भी आप मेनू में जाएंगे तो नीचे आपको दिखाई देगा कि कौन से एप्लीकेशन आप ज़्यादा यूज़ करते हो, और वो एप्लीकेशन जब भी आप ओपन करेंगे तो फटाक से ओपन हो जाएगी और लोड हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने सब कुछ और नेट वगैरह सब कुछ बंद करके रखा है, तो इसलिए लोड नहीं हुआ। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है इस हैंडसेट के बारे में। यहाँ पे चार्जिंग के एक और मैं आपको खासियत बताना चाहता हूँ, ये इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर आप ऑफिस से आते हैं, ऑफिस के आने के बाद गेमिंग वगैरह सब करके थके हार के अभी आप सोते वक्त मोबाइल चार्जिंग में लगाना पसंद करते हैं, तो इसमें AI चार्जिंग अगर आपने इनेबल किया तो 10 बजे के बाद सुबह के 7 बजे तक ये हैंडसेट पूरा चार्ज नहीं होगा, धीरे धीरे करके 7 बजे तक फुल चार्ज हो जाएगा, जो काफ़ी बढ़िया बात है। बिकॉज AI चार्जिंग की तकनीक से ये ऐसा होता है कि इसको समझ आता है कि हाँ अभी डिवाइस
यूज नहीं होगा और रात भर चार्ज होगा। तो यहाँ पे इनेबल में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो बस इनेबल करने के बाद डायरेक्टली एआई चार्जिंग की चार्जिंग हो जाएगा। जैसे क्विक चार्ज को सपोर्ट करता है लेकिन एआई चार्जिंग के बदौलत ये स्लो चार्ज होगा 10 से 7 के बीच, जो काफी बढ़िया है। और आपको लगता है कि हाँ अगर इनेबल नहीं किया और रात भर रखा तो क्या होता है, लेकिन बैटरी में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होता है आगे जाके, अभी नहीं लेकिन आगे जाके होता है। तो इसीलिए मैं इस डिवाइस को काफी बढ़िया रेटिंग देना चाहता हूँ क्योंकि एआई को इसने इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे नेक्स्ट फैक्टर इसका ये है जो सबसे बड़ा प्रोज यहाँ पे बन के आता है, इसका परफॉर्मेंस। यस, इसमें अगर आप गेमिंग करें खेलेंगे तो काफ़ी बढ़िया आपको इसमें परफॉर्मेंस मिलेगी। आपने अगर गेमिंग रिव्यू नहीं देखा तो आईपैड में भी आप देख सकते हैं गेमिंग रिव्यू, और अगर गेम प्ले नहीं देखा तो गेमिंग रिव्यू में मैंने बताया था कि आप कैसे देख सकते हैं गेमिंग रिव्यू, बिकॉज गेम खेला है इसमें काटेकर जी ने। हाँ, काटेकर जी ने पबजी खेला है, तो काटेकर के लिए एक थम्सअप जरूर दीजिएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको इसका एक और प्रोज बताना चाहता हूँ कि इस हैंडसेट में आपको जो प्राइसिंग रेंज है इसमें आपको काफ़ी बढ़िया सा सब प्रोसेसर जीपीयू वगैरह सब कुछ मिलता है, लेकिन 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 इसका जो एआई एडवांटेज है ये काफ़ी आपको आगे तक ही पसंद आएगा, बिकॉज एंड्रॉयड पी का अपडेट इसमें ज़रूर आएगा। हाँ, हालांकि इसमें 8.0 एंड्रॉयड ओरियो है लेकिन 8.1 का सपोर्ट भी आ जाएगा जल्द ही अपडेट के OTA अपडेट के जरिए। लेकिन यहाँ पे आपको प्लस मैं बताना चाहता हूँ कि जब यहाँ पे एंड्रॉइड पी इसमें आपको जल्दी ही ईयर एंड में आ जाएगा अपडेट, तब आपको पता चल जाएगा इसका AI का इम्पोर्टेंस क्या है, बिकॉज एंड्रॉइड पी ऐसा है कि वो 5 पूरा का पूरा AI पे बेस्ट है, जो काफ़ी बढ़िया है। तो मैं आपको हैंडसेट रिकमेंड जरूर करूँगा। नेक्स्ट यहाँ पे मैं अभी प्रोज के बाद कॉन्स की बात कर रहे हैं, तो कॉन्स यहाँ पे कम है लेकिन आपको अगर कोई भी डिसीजन लेना है तो इसमें आप हाथ लगा सकते हैं उस डिसीजन पे लेके। तो फर्स्ट कॉन्स ऐसा है कि एक्सपर्ट 9 जो गेम है ये अभी तक इसमें कंपेटिबल ही नहीं दिखा रहा है, ऐसा दिखाया गया कि आप ये इंस्टॉल नहीं कर सकते। वाओ, लेकिन सिंपल मैक्स प्रो M1 में काफ़ी बढ़िया तरीके से वो रन करता है। तो ये एरर एसुस का नहीं है, ये एसुस और गेम लॉक को एक साथ बैठ के बात करना पड़ेगा और कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे तब जाके ये इसमें चलेगा, और होप सो एसुस ये जल्दी करेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा ऐसा है कि यहाँ पे आपको कोई भी आई पी रेटिंग नहीं मिलती, तो ये वाटर रेजिस्टेंट नहीं है। तो दोस्तों अगर आप पानी वगैरह से इसमें डुबाना चाहते हैं या फिर सिर्फ ऐसे पानी के छींटे वगैरह रेनी में सेल्फी लेना चाहते मत लेना, बिकॉज वैसे भी हम ज़्यादा बारिश में ये हैंडसेट जो महंगे रहते हैं या फिर नए रहते वो हम निकालते नहीं है, बिकॉज जब हम ग्रीन वाले भी गटर देखते तो भी हम हैंडसेट अपना कोई भी हो जेब में रखते थे। तो ये मैं ज़्यादा दिल पे नहीं लेता, लेकिन अगर आप ये सोचते हैं ऐसा आईपी तो हाँ ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ ये कि इसमें थोड़ा सा लैक ऑफ AMOLED डिस्प्ले का मिलता है। हाँ, इसमें IPS LCD स्क्रीन है लेकिन आपको अगर AMOLED होता तो काफ़ी बढ़िया होता, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे कहना चाहता हूँ इस प्राइस रेंज में AMOLED वगैरह सब नहीं आपको मिल जाता, बिकॉज प्राइसिंग फिर होती थोड़ी ज़्यादा और 1+6 को टक्कर देने के लिए ये IPS स्क्रीन जो इसकी क्वालिटी है यह भी काफ़ी बढ़िया है। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसे कुछ चिपका दिया, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है। और हाँ, गोरिल्ला ग्लास 5 है, भूलना मत, वो तो हो रहेगा, पीछे की तरफ ग्लास है लेकिन आगे की तरफ गोरिल्ला ग्लास 5 है। तो ये रहा अपना Zenfone 5C का फुल रिव्यू। Zen UI की वजह से ये काफ़ी ऑप्टिमाइज है और आपको काफ़ी बड़ी इम्प्रूवमेंट इसमें नज़र आएगी, बिकॉज Zen UI ऐसा है कि Zoom S में मैंने यूज़ किया था विदाउट चार्जिंग 3 दिन तक चला था, तो ये भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, Zoom S में आपको 5000mAh की बैटरी थी, यहाँ पे थोड़ी सी कम है लेकिन ये आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा। तो अगर आपको वीडियो चली गई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यार इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट डाउन बिलो अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा जरूर। बट्स आप कमेंट कीजिएगा कि आपको इस हैंडसेट के बारे में और क्या जानना है, या फिर आप इस हैंडसेट के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं या कुछ डाउट्स वगैरह तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ हम जरूर मिलेंगे और यहाँ पे कई सारी वीडियोज आने वाले, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल रिव्यूज को। जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड पीस आउट, बाय बाय।